छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी गांव है जहां पर आज भी पंचायती राज अधिनियम के तहत पुराने अंदाज में कार्रवाई की जाती है। यहां कब्जाधारी ग्रामीण पंचायत की तुगलकी फरमान और काम से परेशान है। दरअसल मामला मुंगेली जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत सेमरसल के आश्रित गांव नवा गांव बहटा का है। यहां सैकड़ों एकड़ घास भूमि में दर्जन भर से अधिक लोगों द्वारा कई वर्षों से कब्जा कर खेती की जा रही है, जिसे हटाने के लिए पंचायत प्रतिनिधि की सहमति से हरी भरी फसलों और सब्जियों को पशुओं के हवाले नष्ट करने छोड़ दिया गया है। ग्रामीण एम के दीक्षित और सुखनंदन कश्यप ने बताया कि किसानों की आंखों के सामने उनके फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है। ग्राम सभा गांव में बैठक करके और नोटिस भेजे गए हैं और ग्राम सभा के ही आदर्श से चलाए है कि अब खाकर आदर्श से चलाए थे घूमत जाना है, लेकिन मोला नोटिस मिले थे ना वो ग्राम सभा ने मिले। 300 एकड़ में बीजा कब्जा था सरकारी भूमि में और प्रायतर ये बड़े झाड़ का जंगल है ये, तो यहाँ किसान लोग बहुत मतलब पहले से ही बेजा कब्जा करके बहुत सारे किसान हैं बेजा कब्जा करके जीवन यापन कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। तो उनको SDM साहब की पूरी टीम आई और पुलिस प्रशासन के साथ और आके बेजा कब्जा हटाया, तोड़ा ताड़ा और घर वर के लिए नोटिस दे के गए हैं, 60 दिनों का नोटिस दे के गए हैं। SDM अजीत पुजारी ने कहा कि ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर ग्रामीणों को कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जाकर गांव 54 अतिक्रमणकारियों से करीब 70 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराया गया है। उनकी लगातार शिकायत जनदर्शन में हो रही थी और उसके बाद भी लोगों ने कई और तरीके से इसको बड़े बड़े मंच में रखा था कि ऐसे मामले को तत्काल समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध बाबा आश्रम के नाम की जो जगह है उसके इर्द गिर्द ये पूरे ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे करीब 54 अतिक्रमणकारियों ने कब्जे किए हुए थे और वहाँ उन्होंने अपना सब्जी भाजी और धान वान की फसल लेते थे जो बिल्कुल अवैध था और अवैध तरीके से लोग वहाँ पे कब्जा रखते थे। कई बार उनको नोटिस दिया गया उसके बाद भी ये नहीं मान रहे थे, तो प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए